तो क्या आप एक अच्छा अंडर बजट विथ नो साइड इफेक्ट प्री वर्कआउट ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वेल, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप नए हैं तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट दिस चैनल। तो हमारा ये जो चैनल है फिटनेस और ट्रेवलिंग के ऊपर बेस्ड है। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है और ट्रेवलिंग मेरी हॉबी है। कहीं भी मैं जाता हूँ एज अ ट्रेवल बन के, तो मैं उसके व्लॉग शूट करता हूँ। और जो कि मेरा जो पैशन है फिटनेस, आई डू फॉलो माई पैशन। तो जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ मुझे लगता है कुछ अच्छा आ रहा है जिससे मैं मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके साथ उसका वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक केदारनाथ का व्लॉग बनाया था। उसके पहले हम फिटनेस के इसमें बात करें तो हमने फिटनेस में भी हमने दो तीन सीरीज बना रखी है, लाइक बिगनर सीरीज, पुश पुल टुगेदर, टॉप 5 एक्सरसाइज। और हमारे इस चैनल पे प्रोडक्ट रिव्यू तभी होते हैं या तो वो उनको मैंने खुद ने पर्सनली यूज कर लिया है या यूज कर रहा हूँ। अनलेस हम बिना यूज करे प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करते हैं। चलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। शुरू करते हैं। न्यूट्रावे का स्पार्क प्री वर्कआउट एनर्जी जो कि हमारे पास है, दो फ्लेवर में है, एक है ग्रीन एप्पल और दूसरा है फ्रूटी पंच। मैंने उसको ऑलरेडी दोनों यूज कर रहे हैं। मैं इसकी डिटेल रिव्यू करूंगा आपके साथ कि इसका फ्लेवर का टेस्ट कैसा है, कौन सा फ्लेवर सबसे बेस्ट है, रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या सर्विंग साइज है, एज अ बिगनर इसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑथेंटिसिटी की बात कर लेते हैं। तो जब भी हमारे पास ये बॉक्स आता है, यहाँ पे एक सील पैक्ड रहता है, हम इसको अन कवर करते हैं तो यहाँ पे एक सील पैक्ड रहता है, इसकी स्टिकर रहता है जो कि उस पर रहता है क्यूआर कोड और स्केच कोड। जो कि हम स्केच कोड को स्केच करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो रीडायरेक्ट वो न्यूट्रावे की वेरिफिकेशन वेबसाइट पर जाएगा। जो भी स्क्रैच कोड हमने स्क्रैच करा है, जो कोड हम वहां पे डालेंगे, उसके बाद सेकेंड पेज खुलेगा हमारे, जिसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर, कहाँ से लिया है, तो हम ऑलरेडी न्यूट्रावे से लिया है। कंटिन्यू करेंगे, हमारा थर्ड जो पेज रहेगा वो रहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। और बट ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रोसेस ऑथेंटिसिटी की। ऑथेंटिसिटी के बाद हम बात करेंगे, ये आता है 25 सर्विंग्स के साथ, 2 हेल्पिंग स्कूप है इसके जो कि बनता है 10 ग्राम, 250 ग्राम का नेट वेट है। ऑल राइट, नंबर ऑफ सर्विंग ऑलरेडी हमने बता दिया 25, सर्विंग साइज 2 हेल्पिंग जो कि अभी तक जो अभी हमने डिस्कस करा है, और ऑल 10 अप्रॉक्स सर्विंग हो गया है। एनर्जी 5.28 कैलोरीज, प्रोटीन 0.01, कार्बोहाइड्रेट 0.18 ग्राम, टोटल शुगर 0.45, नो एडेड शुगर है 0, टोटल फैट 0, सेचुरेटेड फैट 0, ट्रांस फैट 0, कोलेस्ट्रॉल 0, सोडियम जो है 20 mg है, यस इसमें ब्रांच अमीनो एसिड्स है 1 ग्राम टोटल, सिट्रोलिन मैलेट है 2.5 ग्राम जो कि ओके है। मैंने एक रिसर्च पढ़ा था जिसमें सेफेस्ट डोज जो है वो अप टू 6 ग्राम है। मैं पर्सनली जब मुझे लगता है कि या तो किसी दिन ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना है, तब तो मैं थर्ड पार्टी का जो भी सेट्रलिन मैलेट आता है वो एक्स्ट्रा प्री वर्कआउट के बाद 2 एक्स्ट्रा मैं उसमें 2 ग्राम ऐड करता हूँ, जो कि ओवरऑल मेरा हो जाता है 4.5 ग्राम। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। बेटा एलनाइन है 3, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है 1 ग्राम, एलआरजीनाइन है 1 mg, कैफीन है 300 mg, टूरिन है 500 mg। ऑल राइट, इसमें और क्या है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, नो एडेड शुगर, ग्लूटीन फ्री, सोया फ्री, वीगन फ्रेंडली, नो बैंड सब्सटेंट, डेयरी फ्री, एस्ट्रॉइड फ्री एंड टेस्टेड फॉर प्योरिटी। द प्रोडक्ट कैन बी कंज्यूम बाय मैन एंड वुमेन। वी रिकमेंड यूजिंग द प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ एन एक्टिव लाइफस्टाइल फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। ऑल राइट, when it can be considered pre-workout, recommended uses added 150 or 200 ml of water, shake
two helping scoop, approx 10 mg shake. Well, until it's completely mixed, consume immediately. All right. Consume one serving per day or as advised by डॉक्टर. ठीक है, तो ये था इसका पूरा, हमारे पास क्या क्या इसमें है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे लेना है. एज अ बिगनर मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, तो अगर आपने अभी तक प्री वर्कआउट नहीं लिया है कभी भी, तो आप सिंगल स्कूप के साथ इसको चालू कर सकते हैं. सिंगल स्कूप फॉर 3 डेज, उसके बाद आप दो स्कूप पहलिए. फिर भी अगर आपको सिंगल स्कूप के बाद आपको अच्छा लगता है, तो ही आप दो स्कूप पे आइए. अगर आप सिंगल स्कूप में ही आपको हार्ट बीट आपका इंक्रीज हो रहा हो या फिर ज़्यादा स्वेट हो रहा हो, तो आप सिंगल स्कूप ही करने चलने दीजिएगा, डबल स्कूप पे मत जाइए. बट अगर सिंगल स्कूप आपको एनेस्ड हो गया है, तो आप उसको 3 दिन के बाद आप उसको डबल स्कूप कर सकते हैं. ऑल राइट, मिक्सिबिलिटी की हम बात कर लें, तो ग्रीन एप्पल कहीं ना कहीं मिक्सिबिलिटी का थोड़ा सा कमजोर है. ग्रीन एप्पल फ्रूटी पंच मिक्सिबिलिटी अच्छे से होता है, एक साथ मिक्स होता है. इसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं, फिर उसको मिक्स होने में टाइम लगता है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्लेवर की. तो ग्रीन एप्पल का जो एक फ्लेवर है, वो अगर मैं आपको उसकी रेटिंग दूँ, तो आउट ऑफ 10 में दूंगा इसको 2, और आउट ऑफ 10 में इसको दूंगा फ्रूटी पंच को 4. दोनों के फ्लेवर में कोई इतना खास नहीं है, बट यस, फ्रूटी पंच आप पी सकते हो, ग्रीन एप्पल आप बिल्कुल भी नहीं पी सकते हो. ऑल राइट, रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो रिजल्ट्स आई हैव सॉ फ्रूटी पंच में मुझे ज़्यादा रिजल्ट दिखे हैं. ग्रीन एप्पल कभी कभी फेल हो जाता है, कभी हिट नहीं देता है. यस, ग्रीन एप्पल में मुझे इचिंग की प्रॉब्लम आई थी, बॉडी रेडनेस का इशू आया था. फ्रूटी पंच में मुझे ग्रीन बॉडी इचिंग का इशू नहीं आया है, और मुझे ये बॉडी रेड भी नहीं हुई है. बट यस, ये मुझे हर बार इसने ठीक दिया है फ्रूटी पंच. अगर मैं आपसे मोस्टली इसके बात करूं, तो अगर मैं इसको 10 दिन ले रहा हूं, तो ये मुझे 5 दिन रिजल्ट देगा. 5 दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्री वर्कआउट मेरा वेस्ट गया है. ऑल राइट, तो रिजल्ट की बात हो गई हमारी. प्री वर्कआउट से एडिक्टेड होता है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, क्या प्री वर्कआउट से हमारा माइंड एडिक्टेड होता है? यस, प्री वर्कआउट से आपका माइंड एडिक्टेड होता है. अगर आप सलम कंटिन्यूसली में 4 से 5 महीने कंज्यूम कर रहे हो प्री वर्कआउट, तो आपका जो 7वां महीना होगा या 8वां महीना होगा, उसमें आप विदाउट प्री वर्कआउट से आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे. क्योंकि एक हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो एक बच्चे की तरह, हम उसको जैसा ट्रीट करेंगे हमारा माइंड वैसा ट्रीट होगा. अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो आप सिर्फ 2 महीने इसको कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद आप 4 से 5 महीने का गैप ले लीजिए. उन 4 से 5 महीने में आप ब्लैक कॉफी और 2 ग्राम सिट्रिलिन मैलेट ऐड करके आप उसको एज अ प्री में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. बट अगर हम कंटिन्यू प्री वर्कआउट लेंगे, तो यस, हमें प्री वर्कआउट का एडिक्टेड हो जाएगा. हम फिर उसके बाद बिना प्री वर्कआउट के बाद हम अगर बिना प्री वर्कआउट लिए हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे. अगर हम एक और चीज देखें, तो अगर आप जैसे बड़े बड़े जो मसल्स है, लाइक बैक हो गया, चेस्ट हो गया और लेग्स हो गया, इसमें हम प्री वर्कआउट ले सकते हैं. और जो हमारे जो छोटे छोटे मसल है, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप एंड क्रॉसफिट, उसमें हम नॉर्मल कैफीन और सिट्रलिन मैलेट को ऐड करके पी सकते हैं. वो भी एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमें उसका एडिक्शन नहीं होगा. वन मोर थिंग, अगर आपको बीपी है, अगर आपको हार्ट पेशेंट है, तो अवॉइड करें प्री वर्कआउट. कॉफी को भी आप एक हमारे पास जो आता है 2 रुपए का सेशन कॉफी का, वही आप लीजिए, उससे ज्यादा आप ऐड मत करिए. क्योंकि जो हमारा जो कैफीन है, वो भी हमारा जो बीपी है वो बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है. तो बीपी हो, हार्ट इश्यू हो, आप बिल्कुल भी मत लो. और डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और डे बाय डे आपका जो वेट का सिलेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ग्रीन एप्पल और फ्रूटी पंच में से कौन सा फ्लेवर आप लेंगे. आज के लिए इतना ही, हम फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का. गुड बाय, टेक केयर. प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस रिकमेंडेड मोस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय, टेक केयर.